Hello. Hello. How are you? I'm doing good. How are you? We are here for picking. All right. So, if you guys walk down in between the rows with the bags tied bags. On, just walk down, head towards the back a little bit because everybody picks. Pick in the front. Okay. So, okay. You don't have to pick these, but here, we'll okay. tell you. Come here, guys. If you come under here like this. Okay. And then look up. There's all oh my God. Okay. Yeah. Oh, I see it. I see. Yeah. Oh, there's one fell down. One just ran away. But yeah. So okay. Can I take one picture with you? Is that okay? तो देखिए जो है अभी एक ट्रक आया है मैडम। तो इस ट्रक से क्या होता है कि छोटा सा ट्रक है जो खेतों में लेके चलते हैं, उसे जो है खेतों में जो है यात्रा करते हैं, आसानी रहता है, उनको चलना नहीं पड़ता है। अब देखो जो है उम्रदराज लोग हैं, दुकान में बैठे हैं, अगर उनको जाना होगा तो अपने बाइक से ही जाएंगे। फिलहाल आपको खेत की यात्रा कराते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं पानी का सिस्टम, ठीक है। ये है पानी और पानी का यह है ट्यूब, ठीक है। ये देखने में बहुत हार्ड लगता है लेकिन हार्ड होता नहीं है, बहुत सॉफ्ट होता है ताकि पैर आपका पड़े इस पर तो फटे ना। अब देखिए लाइन लाइन से लगे हुए हैं दोनों साइड में, देखिए पानी का सप्लाई आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक जगह अभी पंपिंग सेट में दिखाऊंगा आपको, आगे पंपिंग सेट से पानी की सप्लाई करते हैं और इसमें एक छेद मार देते हैं तो ड्रिप ड्रिप ड्रिप। ओह माय गॉड, गर्ल्स आर विनिंग। ओह नो। हाँ, तो मैडम ने वहाँ पे ये भी बताया है कि आपको आगे चलते जाना है, चलते जाना है। तो ये सब जो है यहाँ पे जो है आपको, अब देखिए इतना ढेर सारे नीचे गिरे हुए हैं जो कि, तो मैडम ने बताया है कि आपको पेड़ के अंदर जाना है, फिर आपको ऊपर देखना है और फिर आपको तोड़ना है। जैसे कि ये वाला है, ये तोड़ता हूँ मैं, ठीक है। और मैडम ने ये भी बताया है कि आपको खाना कैसे। Let's try to pick from different trees so that they don't taste the same, okay? Nobody follow the girls. Hello. Boys and girls. No, no. इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से फ्रूट्स लगे हुए हैं, लदे हुए हैं, ठीक है। तो इस किसान के पास क्या है, उसने कहा कि हम बैग नहीं देंगे आपको, आप अपना बैग खुद लेके आइए, तो इसलिए मैंने ये बैग ले आया है, ठीक है। अर्नो तुम तोड़ नहीं रहे हो, इस तरह से आप देख सकते हैं जो है पीच जो है कई कलर के होते हैं, ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, पिंक होते हैं, ऑरेंज कलर होते हैं, पर्पल भी होते हैं, ठीक है। और स्वाद के बारे में देखा जाए तो मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है। ये जो है इसकी, ये जो है देखने में सेब जैसा दिखता है लेकिन सेब नहीं होता है, ठीक है। ये इसकी तुलना मैं तो भैया आम समझ के मैं खाता हूँ इसको बहुत चाव से, ठीक है। और जैसे आम अगर पक जाता है तो दबाने से दबता है, उसी तरह से देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ये पिचक रहा है, तो ये आम की तरह ये जो है पकता है और इसको खाएंगे तो इसमें से जूस भी निकलता है, ठीक है। बहुत जूसी होता है और बहुत मीठा होता है। कितना तोड़ा? I think I took 4. कोई गुड़िया, अगर कोई गुलगुला तोड़ना तो बताना मुझे, बेटा गुलगुला क्या है जो दबाने से दब जाता है वाला तोड़ना तो हमको देना, मैं खाऊंगा उसको, ठीक है। ओह माय गॉड, लुक। हाँ ना, बोलो। ओके, लीव इट देयर, लीव इट डाउन देयर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे घोदे घोदे के रूप में ढेर सारे लगे हुए हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, और नाउ ये देखिए अभी बेबी है, अभी पका नहीं है, ये दोनों पके नहीं, ये पक गया है, ठीक है। और साइज का तो आप पूछो ही मत, सेब से भी कई गुना बड़ा है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको दिखा दो कि यहाँ पे देखो नीचे कितना गिरा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होता है किसान की जो है कितना नुकसानदायक होता है। और आपको दिखाते हैं ढेर सारे बीज, आप देख सकते हैं ये सारे बीज हैं इसके, ठीक है। जैसे आम के गुठली होती है उसी तरह से पीच के भी गुठली होते हैं, ये देखिए। जैसे हमारे गांव में इस तरह से, हमारे गांव में जब आम पकते थे गिर जाते थे, कोई लेने वाला नहीं होता तो चिड़िया आके खा जाती थी, ठीक है।
ठीक है, तो वही मुझे दिखा तो मुझे याद आ गया कि इस तरह से हम सबके गांव में भी देखने को मिलता था। और आपको दिखाते हैं हरा वाला पीच, ये देखिए, देख रहे हैं, ये देखिए, जैसे कि मैंने बताया ना कि कई बार नो छोड़ दो उसको वहीं पे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हरे कलर हरे रंग के भी होते हैं जो कि अभी रेडी नहीं हुआ है। कहाँ पे, कहाँ? हाँ हाँ, बम्बल भी है, उससे दूर ही रहना, बम्बल भी है, खा रही है, खाने दो उसको, ठीक है? नो 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 नो, डोंट, बेचारी खा रही, खाने दो उसको। सबसे ज्यादा फन तुम ही कर रहे हो ना। और इसमें देखिए यहाँ पे येलो कलर के हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, वाह। और स्वाद में मैं बताऊँ, ये खट्टा भी, खट्टे टाइप का भी होता है, मीठा भी होता है, दोनों अलग अलग प्रजातियाँ होती हैं। और जो खट्टा होता है, जैसे कि आपको पता ही है, उसका लोग अचार वगैरह बना लेते हैं। बोलने में थोड़ा अड़चन इसने आ रही है क्योंकि मैं जो है खा भी रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा इसके लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक पेड़ गिर गया है और पूरे तरीके से यहाँ से टूट भी गया है, ठीक है, और टूट गया है तो इसके पेड़ जो है सब ख़त्म हो गया है। अब इसके जगह एक बना बनाया पेड़ डालेंगे, तो जब भी नया पेड़ लगाते हैं ना तो छोटा पेड़ नहीं डालते हैं, पहले से इतना बड़ा पेड़ ले आके यहाँ पे गाड़ देंगे, तो ये है ख़ास बात, ताकि जो है तुरंत उगना शुरू हो जाए, उसमें फल लगना शुरू हो जाए। तुम्हें कोई गुलगुला नहीं मिला? आई नीड गुलगुला, ये गुलगुला टाइप का लग रहा है, थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ। देख रहा, हरा वाला पीछे है बढ़िया, इधर है थोड़ा डार्क रेड, जो डार्क रेड होता है ना वो ज़्यादा पका होता है, हालांकि जब भी पेड़ में तोड़ा जाता है तो पका नहीं तोड़ा जाता है, नहीं तो जो है घर में ले जाने के बाद इकट्ठा सब पक जाते हैं, तो आपको बांटना पड़ता है, हालांकि मैं ये भी ये बांटने के लिए ले जाऊँगा अपने लैब में, ठीक है। वैसे जानकारी के लिए बता दूँ, आप लोग सोचते होंगे इतना मैं तोड़ता हूँ करता क्या हूँ, जितना हमको रखना होता है मैं रख लेता हूँ, बाकी मैं अपने लैब में ले जा कर रख देता हूँ, तो लैब वाले लोग अपना धीरे धीरे हाथों हाथ उठा के पूरा खा जाते हैं, ठीक है। Look how dark is this? I see. And don't eat it. I will not. देखो जब भी मैं खेत में आता हूँ ना, ये अर्नव और आन्या दोनों मुझे खाने नहीं देते हैं। ओके, देखो भैया धमकी दे रहा, अगर खाए तो मेरे दोस्त नहीं रहोगे। इसके ऊपर चिर्री गिर गई थी लग रहा है, बिजली गिर गई थी जैसा लग रहा है, ये आधा इधर और आधे इधर और बाकी मेरे साथ, ठीक है। गिरने के बावजूद भी देखो हरा भरा लटके हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ताज़ा ताज़ा गिरा हुआ है पेड़ अभी। बहरहाल तो ये वाला लाल लाल लग रहा है, इसको तोड़ते हैं, क्या पता ये जो है पका हो। हाँ मस्त, आप विश्वास नहीं करोगे, इसका टेस्ट एकदम जैसे लंगड़ा आम होता है, लंगड़ा आम की तरह एकदम टेस्ट आता है। मेरा अमेरिका का सबसे फेवरेट फूड यही है। गुड़िया इसमें तोड़ो, इसमें इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, ये वाला अच्छा लग रहा है, चले। जानो मेरी जान, मैं तेरे, ये देखिए इतना टूट के ये सब खराब हो गया है। पीच वैसे अमेरिका में जो है, जो पश्चिमी छोर है अमेरिका का, कैलिफोर्निया साइड में उधर बहुत होता है, हम पूर्वी छोर में रहते हैं, तो पूर्वी छोर में आप देख सकते हैं कि जब फलों का बगीचा एकदम लहलहा रहा है, इसका स्वाद इतना बढ़िया कि मैं क्या बताऊं। आइए हम आपको प्रून दिखाते हैं, प्रून। अन्या ये दिख रहा है,
ये दिख रहा है ब्रांच जो कटा हुआ है दिख रहा है ना But I don't know where, oh, okay. ये दिख रहा है कटिंग yep. इसको जानते हो क्या बोलते हैं अन्य What? इसको प्रून बोलते हैं प्रून क्या होता है ना जिस ब्रांच में फ्रूट्स कम आते हैं ना उसको काट के फेंक देते हैं आओ उधर देखते हैं अन्य कम ऑन okay. हम आपको जो है इस तरह से जंगल बगीचे में से चल चल के हम एकदम दूसरे छोर पे आ गए हैं और देखते हैं इधर क्या क्या है ये देखिए इसमें भी बहुत ज्यादा Look at this. OMG. You could eat any as you want. Yeah. Because you're a fat baby. Fat baby. Not even fair. Oh my god. The big one. What you got? Honey, look here. Yeah. बारिश होने वाली जल्दी Oh my god. अभी finish with the bags though, honey. किसान के हाँ खेत में आके तोड़ने का जो आनंद है दुनिया में कहीं well, नहीं है। Well, you are strong because you're holding that maybe is half as your head. बेकार भी आ रहा खा-खा करके। और आपने क्या है कि यहाँ पे सस्ता भी मिलता है सस्ता इसलिए कि अगर मार्केट में कर देंगे तो एक पीच लगभग $1 का लगभग मिलता है मोटा 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 प्राइस बता रहा हूँ ठीक है और यहाँ पे जो है पता नहीं अभी तौलेगी मैडम जी तौलेंगी उसके बाद बताएंगे कितने का है Yeah, I see all the food. Thank you. Like I could see your legs and your head, mostly your head. Good. That's what you need. Hello. You guys have fun? Yeah. Yeah, you found awesome. Some? Yeah, I mean, yeah, we got a lot. Is she videoing you the whole time? Yeah. Yes. You got to stand up or you need something to stand it in? Look right there. I can't. I like doing this. Just like and we found lots of weird mushrooms. Oh, you did? Gonoderma mushrooms he's talking about. Okay. Perfect. 19 pounds. Yeah. Okay. Yay. 19 pounds? That is a lot. 19 pounds. Oh, my God. You guys eat peaches for breakfast, lunch, and dinner. And make pies. Yeah. Sauces. Something over ice cream. Yeah. Or yes, we are going to be. Oh, ice cream. You can Shake. Make peach ice cream. Okay. Thank you so much. What you got? ये देखो $38 का है और लगभग 17-18 किलो है ठीक है लगभग दो डॉलर का एक किलो ठीक है हेलो I don't know. Looks like that, Daddy. That keep on making the pounds. Yeah. Oh. It made like 20 to zero. Yes, yeah, so we usually feed 130 is like when we kind of stop letting people into the field. Uh-huh. So yeah, it's usually like on the weekends when we're doing the fruit. So do you guys own this place or? She does. My family does. Yes. Oh my God. Yeah. Yes, you know. So do you have peach only? Peach I have some apple. Apple other side. That's yours. You mean we have apples at the back side. If you went all the way back, there's a fence and orchard. That's apples. That's yours? Yes. Okay. Mm-hmm. So yes. What else do you have? We do with like strawberries. We have sweet cherries. Mm-hmm. We do tart cherries also. Some of like the tart cherries this year we picked ourselves and then we sold. We have a retail. Next weekend we might, if the peaches are cut, we'll do peaches again. Is this okay? So yeah. We'll have what is the next after peach? Apples. About mid-September, okay. Mid to late September. How about if this peach is yours too? Yes, but we usually pick those and wholesale them through farmers markets and our retail store. Okay. We don't do pick your own on okay. That. Not enough trees. Daddy. Right. Thank you. You're welcome. Daddy. Mm-hmm. I see a yellow square. Mm-hmm. Thank you for leading me. Because I can't see where I'm going. Come on, I can show you something.